बाबा जी ने बहुत ही मदद की। वो साचे दरबार की जय। सेना वाली माता की जय। मनमोरी माता की जय। बाकी कोई फिक्र नहीं है, कोई वो नहीं है, सिस्टम सब ठीक है, बढ़िया है। जो स्टाफ है बहुत बढ़िया है, डॉक्टर है बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी कोई फिक्र वाली बात नहीं है किसी तरह की। बाकी जो परिवार ने, गली वालों ने, भाइयों ने, और ने, गुप्ता जी ने, श्याम जी ने, जो भी हमारी वो सब हमारे साथ दिया, हम उसका बहुत आभारी है। बाकी वहाँ जो हमारे सज्जन मित्र सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहते थे हमारे पास, कोई फिक्र वाली कोई सिस्टम खाने का और किसी तरह का कोई भी वो नहीं, परेशानी नहीं हुई। तो आपको वहाँ पे जो रखा गया था 7 दिन तक, आपको आपका क्या इलाज किया गया, उन्होंने क्या आपका इलाज किया? सिस्टमेटिक इलाज किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। दवाई पानी सारा दिया, हर बार कम से कम 6 दफा टेस्ट होता था हमारा, बीपी भी, अपने शुगर भी, ऑक्सीजन भी, और अपने सारा कुछ होता था, कोई ऐसी बात नहीं। इन 7 दिनों में आपका कोरोना का कोई टेस्ट हुआ जी वहाँ पे? कोरोना के कोई संबंधित टेस्ट हुआ जी? उन्होंने आपको उन्होंने बताया ट्रीटमेंट किस तरह का था? ट्रीटमेंट क्या देते हैं? किस तरह का ट्रीटमेंट देते थे जी वहाँ पे? जो भी दवाई पानी जो भी उनका सिस्टम है जी, बाकी है हैदराबाद से आए हो उधर डॉक्टर विनोद बहुत बढ़िया डॉक्टर था, जो वहाँ की नर्सें थी बहुत बढ़िया, हर इंतजाम एक क्लास है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। यदि कोई किसी को परमात्मा पहली बात तो भेजे मत, पर भेजे तो घबरावे मत। खाना पीना सारा सिस्टम वहाँ का बहुत बढ़िया, फ्री खाना, फोन मारो जो कहो चीज अवेलेबल है वहाँ पे। आज कितने लोगों की वापसी हुई है जी? आज 10 की हुई है जी। ठीक, ये सभी आपके साथ ही थे? नहीं, अलग अलग 3-4 लोग हमारे हैं, 5 हैं, 4 और हैं। चार है जी हमारे यहाँ। एक शेरबाज है जो के दिल्ली से टेस्ट करा के आया है, नेगेटिव उसके पास रिपोर्ट है, यहाँ आया तो पॉजिटिव निकल गया। 25 साल का जो ये टेस्ट हो रहे हैं, इलाज हो रहे हैं, इसको लेके क्या कहोगे आप? ठीक है जी, जो है परमात्मा के हाथ में है ये तो। नहीं जी, पहले जैसे मान लीजिए 5 दिन पहले आप पॉजिटिव थे, अब आपके सामने है, अब नेगेटिव आ गए, तो क्या इलाज करते हैं? जो सरकार तो कहती है दवाई नहीं बनी कोई कोरोना की, कोई इलाज नहीं जी, क्या आप घर में क्वारंटाइन सेंटर है वो? अच्छा जी, आपको अच्छे तरीके से आपको रखा जाता है वहाँ पे? हाँ, तो बात तो ये ना जी, अभी सरकार कह रही है अभी कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी, तो ऐसा सरकार आपको क्या दे दिया अभी जो आप 5 दिनों में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए? हाँ जी, हमको आइसोलेट किया ताकि हम तो स्प्रेडिंग नहीं, कोई भी आदमी के घर पर रहेगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, कोई भी हो। हाँ जी, इसका जो वायरस है ना जी बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है किसी को, कुछ है नहीं, गया तो लोगों को सिम्टम भी नहीं थे। बाकी प्रशासन ने और ने कोई ऐसी बात ये नहीं है, पुलिस वाले ये पुलिस वाले हमारे साथ है, ये पुलिस वाले ड्यूटी देते हैं, मैं तो इसी में सोऊं, ये चार रात गर्मी बैठे थे, क्या सेवा करते हैं जो इनकी है जी, बड़ी सेवा करी है परमात्मा, बड़ा साथ दिया। फाजिलका में कोरोना की बीमारी जो कह रहे थे कि पॉजिटिव मरीज आए हैं, आज उनको आइसोलेशन सेंटर से छुट्टी मिल गई है, उनका फाजिलका में उनके घर के बाहर स्वागत किया जा रहा है। स्वर्णकार संघ के सदस्य भी यहां पर मौजूद है जिनके द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। कोरोना की जंग जीतकर ये लोग अपने घर से घर को लौट आए हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, फूलों की वर्षा की जा रही है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आज इसका नाम बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन आइसोलेशन में बहुत अच्छी सुविधाएं होने के कारण बहुत जल्दी मरीज घरों में वापस और आ रहे हैं। चलो चलो चलो, शुक्रिया जी।